गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। चलिए शुरू करते हैं 23 मई 2019 के करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 का थीम क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता इंटरनेशनल डे ऑफ बायो डाइवर्सिटी डे जो है ये मनाया कब जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम है इसका, हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य, हमारा स्वास्थ्य। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, याद रखिएगा। जैव विविधता का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों का अस्तित्व धरती पर एक साथ बनाए रखना, इसका मतलब ये होता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को 55/201 प्रस्ताव पारित करके 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने के लिए संकल्प लिया था। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आधिकारिक घोषणा से पहले 29 दिसंबर को मनाया जाता था। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि 22 मई से पहले जब ये आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी तो पहले कब मनाते थे, तब आपको आंसर देना है 29 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने PSLV-C46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल प्रशिक्षण किया है? तो अभी हाल ही में इसरो ने RESET-2B, ठीक है, RESET-2B यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है इसका अभी हाल ही में सफल प्रशिक्षण किया है। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है यही है RESET-2B। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी, एक तो रडार इंपॉर्टेंट है, रडार की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आई है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग RADAR रडार है ये, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार SONAR सोनार ये भी इसी से रिलेटेड है, इसकी भी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में आती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलिए आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा इन दोनों का अलग अलग काम क्या होता है। और इसरो के बारे में हम जानें तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेड ऑफिस पड़ता है बेंगलुरु में। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवान। इसकी स्थापना की थी विक्रम अम्बलाल साराभाई ने और हेड ऑफिस तो बेंगलुरु में है ही। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के अनुसार जल्द ही वह गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर वाले कितने रुपए के नए नोट जारी करेगा? तो RBI के अनुसार अभी 10 रुपए के नए नोटों पर हस्ताक्षर होंगे हमारे 25वें नए गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है शक्तिकांत दास। पुरानी जारी नोट पहले की तरह ही चलते रहेंगे और हाल ही में 20 रुपये का RBI नया नोट जारी करने की घोषणा की थी। महात्मा गांधी की नई सीरीज के तहत जारी होने वाले इस नोट पर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर होंगे। और बता दें कि 2016 में नोटबंदी के बाद 500, 2000, 200, 100, 50, 10 रुपए के नए नोट जारी किए जा चुके हैं। RBI की बात हुई है तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इस बार हमने इसका 88वां स्थापना दिवस मनाया था। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1949 को। RBI के 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, और RBI का हेड ऑफिस पड़ता है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत कुल 1880 अरब रुपए निवेश करने वाले 6,800 विदेशियों को स्थायी नागरिकता दी है? तो अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने 6,800 विदेशियों को स्थायी नागरिकता दी है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। इसके तहत चिकित्सा, इंजीनियर जैसे क्षेत्रों में असाधारण कौशल विकास वाले स्थायी नागरिकता के अब पात्र बन चुके हैं। और पिछले साल UAE ने निवेशकों, वरिष्ठ वैज्ञानिकों को लंबी अवधि का वीज़ा देने वाली योजना की घोषणा की थी। और अब ये गोल्डन कार्ड जो है ये व्यवसाय विकास के लिए आकर्षण वातावरण निर्माण करते हुए कार्ड धारकों के पास परिवार को अभूतपूर्व लाभ प्रदान करेगा। तो बात इतनी हुई है संयुक्त अरब अमीरात में। और इसका मैप में हम देखते हैं ये है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE कह देते हैं इसे हम लोग। इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की करेंसी है दिहरम और क्राउन प्रिंस जो है वो यहाँ के हैं शेख, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
दूरदर्शन पर मशहूर हुए एक चिड़िया अनेक चिड़िया के किस एनिमेशन वीडियो के निर्माता का और प्रसिद्ध फिल्म इतिहासकार का 98 साल की आयु में निधन हो गया है? तो इनका नाम था विजया मूल्ले, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है विजया मूल्ले, और उनका ये गाना उनकी साल 1974 में बनाई एक अनेक और एकता डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा था, और इसलिए विजया मूल्ले को 1975 में बेस्ट एजुकेशनल फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उन्हें सिनेमा पर लिखे किताब के लिए भी 2011 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। विजया मूल्ले को भारत सरकार ने साल 2002 में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा है, और अभी इन्हीं का हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज कमाई के मामले में किस इंडियन कंपनी को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पीछे छोड़ दिया है, और अब भारत की सबसे बड़ी कमाई करने वाली कंपनी जो बन गई है वो रिलायंस यानी कि RIL बन चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो है इस कंपनी को सबसे ज़्यादा मुनाफा है। अभी 2018-19 में रिलायंस की कमाई 6.23 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि IOC की कमाई 6.17 लाख करोड़ रुपए हैं, और इसी के साथ में रिलायंस कमाई मुनाफा और बाजार पूंजीकरण के लिहाज से भारत में नंबर वन कंपनी बन गई। अच्छा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात हुई है तो इसका हेड ऑफिस पड़ता है नई दिल्ली में, और इसके चेयरपर्सन है संजीव सिंह, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बुकर इंटरनेशनल जो पुरस्कार है वो भी हाल ही में मिला है जोखा अलार्थी को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है जोखा अलार्थी। ये ओमान की लेखक है जोखा अलार्थी, और सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल पुरस्कार जो है वो इनको मिला है, जो कि एक मरुस्थलीय देश की तीन बहनों की कहानी है जो अपने गुलामियत भरे अतीत और संकीर्ण आधुनिक दुनिया का सामना करती है। गुलामी भरे जीवन के बारे में बताया गया है। इस किताब का नाम है सेलेस्टियल बॉडीज़, और मिला किसको है, ये जोखा अलार्थी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कॉमेडी स्टोर के संस्थापक एवं कॉमेडियन का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इनका नाम था सम्मी शोर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक होगा। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही हैं अभी सम्मी शोर, और इनका 1928 में इनका जन्म हुआ था, 2019 में इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में, और 92 साल की उम्र में निधन हुआ है इनका। 1972 में पटकथा लेखक और अभिनेता रूडी डी लुक्का के साथ द कॉमेडी स्टोर की उन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार का नाम क्या है? तो ये पहुंचे हैं दवे शर्मा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है दवे शर्मा, और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लिबरल उम्मीदवार दवे शर्मा ने इतिहास रचा है। ये वह ऑस्ट्रेलिया संसद में पहुंचने वाले ये पहले भारतवंशी हैं। उन्होंने संघीय चुनाव में सिडनी के उपनगर वेंटवर्थिन सीट से जीत दर्ज की है, और 43 वर्षीय दवे शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार कैरी फ्लैप्स को हराया था। बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नए बने हैं अभी, स्कॉट मॉरिसन दोबारा बने हैं, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया को गेम्स कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते 60% से भी ज़्यादा आबादी है वो गेम में इन्वॉल्व रहती है। अगला क्वेश्चन है, TRA रिसर्च के द्वारा जारी की गई भारत की मोस्ट ट्रस्टेड पर्सनैलिटी 2019 में किस अभिनेता को पहला स्थान मिला है? तो ये अभिनेता का पहला स्थान मिला है अमिताभ बच्चन को, यानी कि किसका ए ऑप्शन सही है। पहले नंबर पे अभिनेता में अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली है और रतन टाटा हैं, ये इनकी सीक्वेंस है, पर आपसे ये पूछा गया है तो ये पहले नंबर पर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने मार्च महीने में 9.94 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं? तो ये रिलायंस जियो ने ही जोड़े हैं। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक ने चीन के ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म अलीपे और वी चैट पे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? ये लगाई है नेपाल ने। बी ऑप्शन सही है। नेपाल का कहना है कि इससे
हमारे जो नेपाल देश है उसमें जो हमारा पर्सनल डेटा है या सोशल डेटा है या जो भी हमारा सुरक्षा के लिहाज से ये बैन करना बहुत ज़रूरी था। बात हो रही है नेपाल की। नेपाल को देखिएगा मैप में, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अच्छा, जब भी काठमांडू का जिक्र आए तो आपको ये याद रहना चाहिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का हेड ऑफिस जो है वो काठमांडू में ही पड़ता है। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। नेपाल की राजधानी होगी, नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, खड़क प्रसाद शर्मा ओली। नेपाल की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल आज तक कभी किसी के गुलाम नहीं हुआ, पूर्णतः हिंदुओं का देश है नेपाल। इतनी बात आपको नेपाल से याद रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट और बात, नेपाल ने हाल ही में भारत के 100 रुपये से ऊपर के सारे नोट है वो बैन कर दिए, यानी कि 200, 500 और 2000 रुपये के नोट जो है वो इंडिया के नहीं चलेंगे नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के प्रसारण और डिजिटल वितरण योजना के तहत किस देश में पहली बार आईसीसी वर्ल्ड 2019 का प्रसारण किया जाएगा? इस बार पहली बार अफगानिस्तान में आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का प्रसारण किया जाएगा। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। ये आपको मैप में दिख रहा होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ की करेंसी है अफगानी, याद रखिएगा। चलिए कमेंट में लिख के बताइएगा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है। और भारत और एक अफगानिस्तान की एक लाइन भी है, उस लाइन का नाम बताइएगा आप मुझे क्या। वैसे तो वास्तविक बहुत कम लगता है ये भारत, देखिएगा आप लोग, ये अफगानिस्तान का एरिया ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ही लग पाता है अभी, लेकिन फिर भी आप बताइएगा उस लाइन का नाम क्या और कितने किलोमीटर लगता है हमारे साथ भारत और अफगानिस्तान। आईसीसी के बारे में बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसके चेयरपर्सन है शशांक मनोहर, हेडक्वार्टर है दुबई में। अभी वर्तमान में सीईओ है डेविड रिचर्डसन, लेकिन जुलाई 2019 के बाद में नए नियुक्त कर दिए गए हैं, उनका नाम है मनु सहानी, याद रखिएगा मनु सहानी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। तो ठीक है दोस्तों, आज के करंट अफेयर हमारे इतने ही थे। कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।